이제 우리 게 만나서 깜짝 놀랐어. 맞다 말이야. 맞다 말이야. 맞다 말이야. मैंने खून किया तब का खून मैंने किया इसलिए पप्पू ने करने बोला अभी तक आंखें नहीं खुली कभी कभी सर हिलाती है अक्सर किसी को पुकारती रहती है शायद उसका नाम पप्पू है डू यू नो हिम यस हु इज ही पप्पू डेसी से प्यार करता है वो पुलिस का कहना है कि उस मर्डर में उसका भी हाथ है उसे ला पाएंगे आई डोंट थिंक सो वो यहां नहीं है तू यहां भी आ गया हमारी बेटी डेजी की थोड़ी बहुत जो जान बची है उसे भी लेना चाहता है ना तू तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा इसे बाहर भेज दो नहीं तो इस अस्पताल को मैं बंद करवा दूंगा सारे काम को अंजाम देके आप खुद जो 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 चुपचाप खड़ा है ये पुलिस कमिश्नर नहीं है पेशेवर कातिल है तुमने ही एंटनी और उसके परिवार का खून किया या किसी के दबाव में आके करे हो नहीं पप्पू के कहने से ही तुमने वो खून किया है और खून करने में तुम्हारी मदद की कमिश्नर रामनाथ ने तुम्हारा बयान मैंने पढ़ लिया सिर्फ तुझे और पप्पू को ही नहीं बल्कि उस झुपड़पट्टी के कई लोगों की जिंदगी सवारी है रामनाथ साहब ने उसका यह सलाह दिया तूने बोल बे इसके पीछे और कौन कौन है बोला दुर्जन तुम बेकसूर हो हम जानते हैं कैसे हुआ ये सब मैंने ही सबका खून किया और मैंने सबके सामने इकबाल ने जुर्म भी किया मैंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच है सबको मैंने मार डाला सबको मार डाला उसकी जुबानी सुन ली ना उससे और पूछताछ करके तुम बयान से पलटना चाहते हो उसे मिलने की परमिशन तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी और तुम्हें हक भी नहीं है और इस केस के मुख्य आरोपी तुम ही हो मिस्टर रामनाथ केस के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा डीएसपी सिद्धार्थ और मुझ पर है अब इस केस के मामले में तुम कभी भी टांग नहीं अड़ाओगे मिस्टर रामनाथ मैं आपके ऑफिस आ रहा हूं आपसे कुछ पूछताछ करनी है विशेष समाचार मंगलवार के हादसे में गंभीर रूप से जख्मी डेसी की हालत में सुधार डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी इस हादसे के पीछे जिसका भी हाथ है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसा पुलिस वाले मीडिया वालों से बोल रहे थे इसके पीछे जरूर पुलिस का हाथ है पुलिस पब्लिक को धोखा दे रही है पुलिस ने जिस शख्स को कातिल ठहराया है वो देखने में टीवी के मरीज जैसा है और उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा है इस पर यकीन नहीं होता एक और मुख्य समाचार आश्री टीपी नारायण को लोगों ने एक्टिंग काउंसलर के रूप में चुन लिया है इस कत्ल के पीछे जरूर पुलिस वालों का हाथ है इसीलिए पुलिस वाले चुप्पी साधे हुए हैं अस्पताल में पड़ी एंटोनी की बेटी डेजी को भी मारने का प्लान बना रहे हैं ताकि सारे सबूत मिटा सकें इसीलिए आज हम सीएम के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं यही हमारी कमेटी का फैसला है तेरी जात का वायदा मारू मैं जरा सुनिए एंटनी साहब की बेटी डेजी किस वार्ड में है बता सकते हैं E6 में है हाँ देख रही चल सकता
मोनी। आप यहाँ क्या कर रही? मैं शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। मैडम रास्ता बोल के आगे जाई। यूं ही आपको देखने का मन किया। बहुत खुशी हुई, बैठिए। क्यों, शिकारी पुलिस अफसर से आपका दिल भर गया या फिर एंटनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामनाथन से बचना चाहती हैं आप? ये सच है कि मैं ज्यादा करीब नहीं आना चाहती थी, मगर ये भी प्यार ही है। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, मेरी वजह से उन्हें परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं समझा नहीं। धीरे धीरे समझ आएंगे आप। जरा साफ साफ कहो, पहले से मैं बहुत परेशान हूँ। फिलहाल मैं हमदर्द बन के आई हूँ, मेरे साथ पप्पू भी है। कहाँ से मिला वो? मैं सब बताती हूँ, इस वक्त मेरी कार में है। फूल सिंह, बाहर तैनात सिपाही के नजर से बचाकर पप्पू को अंदर ले आओ। कोई बात नहीं, सीधे रास्ते ले आओ। देखिए, उस पर बिगड़ना नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। घबरा के वो वहाँ से भाग गया। उसकी किस्मत अच्छी है जो मेरे हाथ लग गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी है, और दो तीन जगह जाना है, और मुझे आपसे कुछ कहना भी है। क्या है? क्या, छोड़िए, मैं मालती से कह दूंगी। सिर्फ उसे ही? जी। अच्छा, मैं चलूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलती हूँ। भरोसा कीजिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ डेजी से प्यार किया है। देवता समान आपके दिल को मैंने दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। डेजी के बिना मैं जी नहीं सकता हूं साहब। रो मत, जो होना था वो हो गया, रो के फायदा नहीं। तुम किसी का खून नहीं कर सकते, ये जानता हूं मैं, मगर मुझे बता दिया होता, चाहे कुछ भी हो, किसी को मारने की नौबत भी आ गई और तुम बेगुनाह हो, तो किसी ने किस तरह मैं तुम्हें बचा के लिया था, मगर मुझसे कहे बिना फरार क्यों हुए तुम, बताओ? दुर्जन सिंह ने जब बयान में कहा कि मैं ही आरोपी हूं, तब मैं कुछ कह नहीं सका। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए चला गया यहां से। जब डेजी जिंदा है ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी, तब उसे मिलने चला आया। एक बार उसे मिलवा दीजिए सर। उन लोगों ने आपको भी डेजी से मिलने नहीं दिया, उनका कहना है कि इस खून में आपका भी हाथ है। हो सकता है तुम्हें देखते ही डेजी की हालत में सुधार आ जाए, बेहोशी की हालत में भी उसकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम था। अगर डेजी से ये बात करेगा तो सच्चाई का पता चल जाएगा। पप्पू का चेहरा देखते ही डेजी होश में आ जाएगी। लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर इसाक आपका दोस्त है ना सर? तो क्या वो गोम्स और पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में जो है? आप एक बार उनसे बोलकर देखिए ना सर, पप्पू को वहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मालती, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। शनिवार की मॉर्निंग फ्लाइट से अमेरिका वापस जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है? आप तो कह रही थी आप लौट के नहीं जाएंगी। उस वक्त मैंने अनजाने में कह दिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। रामनाथ साहब को पता है? नहीं, उनसे मिलकर आ रही हूँ, मगर कुछ कह नहीं सकी। अगर कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी ना? कहो ना। पप्पू के जरिए मुझे पता चला कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो भी मन ही मन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सोचकर तुम दुखी मत होना। आइंदा मैं कमिश्नर से कभी नहीं मिलूंगी। इस तरह क्यों बोल रही हैं आप? शायद आपको पता नहीं, दीदी के मरने के बाद वो हमेशा तन्हा और उदास ही रहते थे। अगर आज वो खुश है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो मीरा। हो सके तो उनकी जिंदगी बचा लो मीरा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो क्या तुम रामना जी से प्यार नहीं करती हो? देखिए, वो तो मेरे भगवान हैं। वो सिर्फ मेरे जीजा नहीं, मेरे माँ बाप भी हैं। अगर आप दोनों की शादी हो जाए, उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? इस तरह खामोश क्यों हैं? क्या कहूँ, कुछ पता नहीं। यानी नहीं जाएंगी आप? ओके। आ जाओ।
ऐसे में कहाँ ढूंढूं उसे? इस अपर माया को कहाँ ढूंढूं मैं? सर, पेशेंट को स्कैनिंग के लिए ले जाना है। चाहे कुछ भी हो बेटी, मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, इंतजाम कर देती हूँ मैं। पेशेंट को जहाँ भी ले जाएंगे उनको फॉलो करते रहें। ओके सर। डेजी, आंखें खोलो, पप्पू आया। डेजी, डेजी, एही, आंखें खोलो ना, मैं आ गया हूँ। आया है गांव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है।